नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे आपको पोर्टफोलियो किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार डाइवर्सिफाई करना चाहिए, किस प्रकार अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो कुछ मल्टी बैगर स्टॉक को शामिल करना है जो कि प्योर मल्टी बैगर होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। जैसे वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं अपने बिजनेस में लेकिन मोनोपोली रखता है, तो वैसे शेयर को भी रखना है जो कि धीरे धीरे आप एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, साथ ही साथ जिसमें थोड़ा सा रिस्क भी है क्योंकि कंपनी न्यू है, पिछले 5 और 10 सालों से ही बिजनेस कर रही है लेकिन सेक्टर के लीडर हैं, तो उन स्टॉक्स को भी रखना है और हर सेक्टर के 1-2 स्टॉक्स आपको लेने हैं। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो हम इस वीडियो में आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं। 20 स्टॉक का ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा जिसमें आप कंप्लीट रूप से सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए, डेली यूज में हम जो अपना फुटवेयर है, सैंडल है, यूज करते हैं, हमेशा यूज करेंगे और कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि इस कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आने वाले 20 सालों तक, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। ऐसे भी देखते हैं लगभग 8000% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न है। करंट प्राइस है 1159 रुपया। तो आप इसमें थोड़े थोड़े SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब ये 600 रुपये का था उसी समय से मैंने वीडियो इस पे बनाया है और उसी समय से जिसने भी इन्वेस्ट किया लगभग 100% का उनको अभी गेन प्राप्त हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरा शेयर, एवेन्यू सुपरमार्ट, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक और जो इस बिजनेस है इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। खुद का अपना प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुद का अपना उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, खुद उसमें अपना फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं और साथ साथ दूसरे कंपनियों के भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और जैसे जैसे एक्सपेंड कर रही कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये भी स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये 3349 रुपीज़ है। बहुत सारे लोग कहते इतने महंगे स्टॉक, देखिए सस्ते स्टॉक आप 10 खरीदते हैं उसके बदले एक महंगे स्टॉक खरीदिए, अच्छे स्टॉक जो कि फंडामेंटल स्टॉक है जैसे ये स्टॉक, तो आपको कभी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ जो भी बातें करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम आपको जब बताते हैं तो वो टेक्निकल चार्ट पे बताते हैं क्या स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे भी गिरता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट को ऊपर ही जाना है। अब बात करते हैं मुथूट फाइनेंस, ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है। देखिए हर का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पोर्टफोलियो का हो रहा है, जैसे पहला हुआ रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री से, दूसरा हो गया डीमार्ट आपको रिटेल सेक्टर से, अब हो गया हमारा फाइनेंस सेक्टर से। ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है गोल्ड के अगेंस्ट, डिफरेंट के लोन्स हैं। जब हम स्टॉक का पर्सनल रिव्यू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या बिजनेस करती है ये कंपनी। अब बात करें यहाँ पर करेंट प्राइस का, तो 1569 रुपीज है और बात करें लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं 800% का रिटर्न दिया जो कि काफ़ी सॉलिड है, आपके पोर्टफोलियो को एकदम स्टेबल रखता है, इसमें कोई खास गिरावट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पैंडमिक में भी कुछ खास नहीं गिरा, मात्र 900 से गिर करके ये 680 रुपीज तक आया, तो कुछ खास गिरावट नहीं हुआ। ऐसे ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो इसको पोर्टफोलियो में रखने से आपका पोर्टफोलियो पे कोई पैंडमिक का असर भी खास नहीं पड़ेगा। अब अगला है डॉक्टर लाल पैथलैब, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें भी डायग्नोस्टिक सेक्टर का लीडर स्टॉक है और इस स्टॉक में देखिए पैंडमिक में कुछ खास गिरावट नहीं हुआ, 1700 का स्टॉक था वहाँ से गिर करके ये 1400 से थोड़ा सा नीचे आया, तो इतना सॉलिड स्टॉक है जिस पे पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको कितना बेहतर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। देखिए यहाँ पर लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक ने काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया लेकिन ये 2018 के बाद लगातार मोमेंटम ये स्टॉक कर रहा है और यहाँ से देख लीजिए जिसने भी 2017 के गिरावट में से इन्वेस्ट किया तो वहाँ से 350% का उनको रिटर्न प्राप्त हुआ, तो इतना सॉलिड स्टॉक है। करेंट प्राइस है 3416 रुपीज, तो आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है IRCTC, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक रहेगा। तो ये करेंट प्राइस है 2426 रुपीज़ और पीछे भी हम कई दिन वीडियो बनाए थे, आज 7% अप है, इतना सॉलिड ये स्टॉक है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें रिटर्न का, तो जो लिस्टिंग हुआ था स्टॉक का 700 से ये स्टॉक देखिए लगातार ऊपर की ओर गया और यहाँ पैंडेमिक में काफ़ी गिरावट देखने पड़ा क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से क्लोज था, लेकिन जैसे आप बिजनेस ओपन होने का समय आया देखिए स्टॉक में फिर वही तेजी है, तो आप इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं हर गिरावट में। उसके बाद जो अगला स्टॉक है HDFC लाइफ, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। देखिए करेंट प्राइस है 698 रुपीज़, ये भी स्टॉक का तेजी आज देखने मिला लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन। देखिए चार्ट हर गिरावट पर आपको ऐड करना होता है, जब जब गिरावट मिले ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में लॉस का कोई औचित्य ही नहीं इस कंपनी में क्योंकि सेक्टर के बेहतरीन
स्टॉक है, इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे भी काफी बेहतरीन है, आने वाले समय में काफी बेहतरीन ये बिजनेस करने वाला है परफॉर्म। अगला है जुबिलेंट फूड वर्क, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, और देखिए इस पे हमने डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो आप जाकर के वीडियो चैनल पर देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो पिज्जा है और इसके होटल चेन्स भी बना रहे कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं और कई सारे सेगमेंट हैं, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन करने वाले हैं। देखिए ऐसे भी ये स्टॉक काफ़ी परफॉर्म किया है, देखिए यहाँ पर मात्र 117 रुपीज़ का था, वहाँ से 3000 रुपीज़ का हो चुका है, लगभग ये 26 टाइम्स का, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि रिटर्न मतलब आपके रुपया के इन्वेस्टमेंट को 26 टाइम किया है। साथ ही साथ अगर गिरावट में कोई इन्वेस्ट किया था तो और भी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करता था, ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल वाले ये स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बात करें अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस, फटाफट हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में और फिर डिटेल रिव्यू करेंगे अलग अलग वीडियो में। बजाज फाइनेंस करेंट प्राइस है 6125 रुपीज, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, हर गिरावट में बाय है। देखिए यहाँ पर गिरावट में जब ये पैंडेमिक में गिरा था तो ये स्टॉक 5000 से गिर करके 1700-1800 के आसपास आ गया था, तो वहाँ निश्चित रूप से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले स्टॉक थे, क्योंकि वहाँ से लगभग फोर टाइम्स का रिटर्न दिया ये। उसके बाद अगला है टाइटन कंपनी, टाइटन अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, अभी भी गिरावट में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है कई सारे ब्रांड है, इसके सोनाटा हो गया, टाइटन हो गया, और इसके ज्वेलरी के कई सारे तनिष्क हो गया, और फास्ट ट्रैक बैग वॉच हर चीज़ फास्ट ट्रैक आ चुका है, फास्ट ट्रैक काफ़ी फेमस है जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट है उनके बीच, तो जब कंपनी का प्रोडक्ट ही इतना फेमस है निश्चित रूप से कंपनी के शेयर जो है परफॉर्म करने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म में अभी भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। और करेंट प्राइस की बात करें 1695 रुपीज़ है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अभी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट में ये सारे स्टॉक को बाय किया जाता है, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो है ब्लू चिप कंपनियों वाले स्टॉक है, तो ज़्यादा आपको नहीं भागेंगे एक ही साल में ये आपके रुपया को 10 गुना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आपके रुपया को 10 गुना 20 गुना कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी सुरक्षित रहता है इन सारे स्टॉक में, तो जब भी गिरावट मिले इन्वेस्ट कीजिए। देखिए पैंडमिक में गिरावट में ये स्टॉक मात्र 850 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। उसके बाद HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक और रिलायंस ये तो अगर अकेले मूव करना शुरू करे तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि 10% वेटेज इसका है, 10% रिलायंस का 20% वेटेज, तो ये दोनों स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्केट के लीडर हैं और सारे स्टॉक सेक्टर के लीडर होते हैं, ये तो मार्केट लीडर स्टॉक हैं रिलायंस और HDFC बैंक। और इसका देखिए करंट प्राइस है 1522 रुपीज़, ये स्टॉक मैंने कई बार बताया था कि ये तो अपने सेक्टर के लीडर, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो कोटक बैंक ले सकते हैं, कोटक बैंक भी काफ़ी बेहतरीन है, ICICI बैंक भी काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब बैंक में तीनों बैंक काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, हम तीनों आपको रिकमेंड करते हैं, तीन में से कोई एक जरूर रखिए। अगर बात करें रिटर्न का 9000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर 856 रुपीज़ से अभी 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए हर गिरावट में। उसके बाद अगला है लार्सन टर्बो इन्फोटेक, अगर IT सेक्टर से आप लेना चाहते हैं तो सेक्टर लीडर लेना है TCS ले सकते हैं, लेकिन लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, देखिए किसी भी पैंडेमिक में कुछ खास गिरावट नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस स्टॉक को भी गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इन्फोसिस TCS अगर आप नहीं रखना चाहते, ऐसे इन्फोसिस TCS में भी इतना पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा मिड कैप रेंज के स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं तो आप लार्सन टर्बो इन्फोटेक को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। उसके बाद अगला है फार्मा सेक्टर, देखिए फार्मा सेक्टर से बहुत सारे बोलेंगे सन फार्मा ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी, मैं आपको वो स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पर कैडिला हेल्थ केयर को अगर आप लेते हैं, यहाँ पर गिरावट में पैंडेमिक के बाद, यहाँ पर 2019 का गिरावट था, पैंडमिक में भी ये स्टॉक अच्छा खासा था 258 रुपया पे, तो यहाँ पर अभी लेते तो अभी देखिए आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त, इतना रिटर्न आपको दूसरे फार्मा के जो ब्लू चिप कंपनी उसमें प्राप्त नहीं होता। ये स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देगा, और देखिए चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, हर गिरावट पर ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद टायर सेक्टर, देखिए हर सेक्टर से मैंने स्टॉक लिया है और आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। बालकृष्णा इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, और इसका तो रिटर्न देखिएगा 179,000% का रिटर्न, इतना रिटर्न तो अभी बजाज फाइनेंस का भी नहीं है, इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है, अभी भी पोटेंशियल है, यह स्टॉक आने वाले समय में एक बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है। करेंट प्राइस है 2385 रुपीज़,
कभी भी ये गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट कीजिए, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि हाइयर लेवल जो होता है उस पर इन्वेस्ट करना आपको कई सालों तक जो है आपको इंतजार कराएगा, कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा। जब गिरावट होता है तो उस समय इन्वेस्ट करना होता है। ये कोट भी है वॉरेन बफेट का, व्हेन ऑल आर फेयरफुल बी ग्रेडी। तो जब फेयरफुल हो सभी लोग तब ग्रेडी बनिए, अभी सब लोग ग्रेडी हैं तो अभी आप डरे रहिए क्योंकि मार्केट वहां से क्रैश होता है, तो ये स्टॉक जो है क्रैश होगा। उसके बाद ऑटो सेक्टर, देखिए ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि एस्कॉर्ट उससे अच्छा है, आप एस्कॉर्ट ले सकते हैं। एस्कॉर्ट कोई पैंडमिक पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ट्रैक्टर होती है वो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। देखिए यहाँ पर कुछ खास गिरावट इस स्टॉक में नहीं देखने मिला था, पैंडमिक आया था तो पैंडमिक में ये स्टॉक कुछ खास गिरावट नहीं देखा, 900 के आसपास था, वहाँ से गिर करके ये लगभग 600 के आसपास आया, तो कुछ खास गिरावट उतना नहीं हुआ जितना और सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक में हुआ। तो करेंट प्राइस है 1193 रुपये, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए तो आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। उसके बाद भारती एयरटेल, देखिए भारती एयरटेल ये स्टॉक कई सालों से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब परफॉर्म करेगा तो काफ़ी ज़बरदस्त करेगा, क्योंकि जो अब बिजनेस है डाटा का बिजनेस वो हर समय चलने वाला है आने वाले समय में, और उसमें दो ही कंपनी है जियो और भारती एयरटेल, और तीसरी कंपनी वोडाफोन उसका हालत ख़राब है, तो ये दोनों कंपनियां निश्चित रूप से एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करेगी, तो वहां से हमेशा इस कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा जनरेट होगा। बस एक बार यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर डेट है वो ख़त्म होता है, उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा, तो अभी समय है, आप हर गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को। उसके बाद है पिडिलाइट, ये तो इवर ग्रीन स्टॉक है, कभी भी अपने पोर्टफोलियो में गिरावट मिले ऐड कर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया, पीछे भी दिया है क्रिएट करके, आने वाले समय भी क्रिएट करके देगा, और करेंट प्राइस देखिए 2244 रुपीज़ है, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। उसके बाद एशियन पेंट, ये भी पिडिलाइट की तरह इवर ग्रीन स्टॉक है, और ये देखिए 17,000% का रिटर्न, तो ये भी स्टॉक हर गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। देखिए 2,989 रुपीज़ करेंट प्राइस है इसका, तो इसको भी ऐड करते रहिए अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद अगला है आरती इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, करेंट प्राइस 856 रुपीज़, कभी भी गिरावट नहीं मिला, ये भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, और देखिए 31,000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, जो कि काफ़ी सॉलिड और काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला है सीमेंट सेक्टर से डालमिया भारत सीमेंट, देखिए मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड करूँगा, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है, पहले ये अलग नाम से लिस्टेड थी, अब अलग नाम से लिस्टेड हुई, कई सारी कंपनियों को मर्ज की इस ग्रुप ने। देखिए लिस्टिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत गिरावट इसमें देखने मिला था, लेकिन गिरावट के बाद ये स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाया, मात्र 457 रुपीज़ से 2,251 रुपीज़ पर जा चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए, गिरावट होने दीजिए, तब आप इन्वेस्ट कीजिए सीमेंट सेक्टर का, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अब है स्टॉक मार्केट का जो सबसे लीडर स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी भी जस्ट डायल को आज खुद एक्वायर की है, तो आने वाले समय में भी रिलायंस कई सारे अपने बिजनेस अपने ग्रुप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो ऐसे में रिलायंस जो है सारी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेंट प्राइस है 2,112 रुपीज़, और आने वाले समय में आपको इसमें और ज़बरदस्त तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि जो डील हुआ है जस्ट डायल को एक्वायर करने का उसके का फायदा किसको होगा, रिलायंस इंडस्ट्री को। ये 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो था, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टॉक बाजार ओरिजिनल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको डेली अपडेट मिलेंगे, डेली न्यूज मिलते रहेंगे।